स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट हमने क्या फाइंड द नंबर हैविंग फॉलोइंग प्राइम फैक्टर देते उन्होंने नंबर फाइंड करना कि कितना आया। उन्होंने अपन स्टेटमेंट दी सी 2×3×2×5 उन्होंने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर कितना बन जू 60 उदा ही 16 and 35। फर्स्ट यही हिसाब से फिर उन्होंने क्या फैक्टर ट्री बनाओ। ठीक है ये अपन कि पता कि यह 2 के टेबल पर जाऊगा क्योंकि 2 के टेबल पर 4 आता ना तो पता अपन कि 2 के टेबल पर जाऊगा ही। ठीक है 2 72 बन जूगे तो फैक्टर 72 के की बन गए 36 36 के किन्ने बन गए 218 फिर 2933। ठीक है ये सारे की बन गए फैक्टर 3। नैक्सट अपने को 56 ये भी 2 के टेबल पर जाऊगा ये 2 के टेबल पर कि जाऊगा क्योंकि 6 आ गया। ठीक है हम अपन 2 तो जो थोड़ा इदा नहीं पता लग रहा तो 56 में 2 नाल डिवाइड कर लिया करो। ठीक है 16 मतलब 18 तो कि बन जूगा 228 फिर 8 आ गया तो 2 के टेबल पर कद इन्ने ही जाऊगा है ना 4 नू 2 नाल किया 8 फिर 27 ये बन गए फैक्टर क्योंकि 7 अगे जाएगा हम 200 आ गया 0 आ गया 2 के टेबल पर फिर जाऊगा इन्ना आ गया 100 250 50 फिर 0 आ 2 के टेबल पर जाऊगा 25 25 कि टेबल पर जाएगा 5 ते 5। ठीक है इतने इदा। ठीक है नैक्सट सम अपने को थर्ड कहते राइट समोलैसट 4-digit number write smallest 4-digit number and express as a product of prime। product of prime की form के अपन इन्हों दसना वा जिमें अपन उन्होंने पहला लिखा हुआ है। ठीक है पहला smallest 4-digit number किड़े होंगे smallest 4-digit number इन्ना ही बन गया। ठीक है इन product of prime लिखना इन साइड से तुम ना इधर इनू करके देख लो। ठीक है उदा नहीं तुम पता लगना कि किन्ने पहला 500 पर जाऊगा ना। ठीक है फिर 2 पर गया 250 आ जाऊगा 2125 फिर 5 के टेबल पर जाऊगा 25 5 5 5 तो आ सारी की बन गई प्रोडक्ट आप इतने ले लेंगे 2×2×2 2 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 5 200 200 5 1000 उदा ही 6-digit number हम की आ जाएंगे ये 5 0 आ जाएंगे फिर सेम इदा करके देख लो साइड पर। ठीक है उदा ही फिर 2 पर जाऊगा 5 0 0 आ जूगा फिर 2 पे 2 5 0 आ तो नहीं पता लग रहा इन डिवाइड करके देखो। ठीक है 5000 नू तुसी 200 से डिवाइड करके देखो सेम आंसर आऊगा 1 पे जाओ फिर 2 5 0 फिर 2 पे क्योंकि 0 आ मगर है ना फिर 2 पे जाओ 6 2 5 इन्ना ही आऊगा ना फिर 2 पे सॉरी 5 पे जाऊ हूँ क्योंकि 5 आ गया ना मगर 1 2 5 फिर 5 पे 25 फिर अपने को कितने पे चला जाऊगा 5 पे फिर 5 पे हम आप ही लिख लेंगे कितने बार आया 2 4 times 5 कितने टाइम्स आया 5 भी 4 times। ठीक है इन इदा कर लेंगे अगे उन्होंने अपन कहा कि मिसिंग नंबर आ हम 63 आ। ठीक है इनू किन्ने ये जाऊगा पहला 3 देखो 2 तो जाऊगा नहीं क्योंकि 3 आ 3 2 के टेबल पर नहीं आता ना तो मतलब यदा 3 तो जाऊगा किन्ने 21 पर। ठीक है फिर हम 21 कदों बनूगा 3 ते 7 प्राइम नंबर ही होंगे अगे ये देता उन्होंने 40 हम ये किन्ने जाऊगा 3 ते जाता फिर 5। ठीक है अगे उन्होंने क्या फाइंड दी
प्राइम फैक्टर ऑफ 729 अरेंज फैक्टरिंग, पहला 729 का प्राइम फैक्टर बना लेने, उदा ही बना लो इवें करके, पहला किन्ने ते जाऊगा 3 ते जांदा, आप ट्राई करके देख लेंगे ना, किन्ने ते जाऊ 5 ते, फिर इतने की बाजूगा 2 बाजू इधर डिवाइड करे लो ठीक है, पहला 5 ते जाऊ 15, 2 बच गए, किन्ने ते जांदा है 2 बच गए 7 ते 9 तो मतलब ये 3 ते टेबल ते नहीं जांदा, तो किन्ने ते जाऊगा फिर ये 729 किन्ने ते जाऊगा फिर ये तुसी देख लो हुण अगे अपने कोल प्राइम फैक्टर आने चाहिए 4 दे टेबल दे विच 9 नहीं आउंदा तो इहदा मतलब की आ इह उहदे ते भी नहीं जाऊ 5 दे टेबल ते भी नहीं जाऊगा क्योंकि 5 दे टेबल दे विच भी 9 नहीं आउंदा फिर 6 दे टेबल च देख लो 6 दे टेबल दे विच 9 आउंदा नहीं आउंदा फिर 7 दे टेबल दे विच अपने कोल 9 आ जाउंदा वा ठीक है आपां हुण सिर्फ 7 ते नूं डिवाइड करके देख लैंदे आ 7 ते जद नूं आपां डिवाइड करांगे देखो हम 70 डिवाइड करके देख लें 7 दे टेबल ते 7 नूं 2 नाल करांगे ना 14 आ गया इत्थे किन्ना आ गया 32 आ जूगा 7 नूं 5 ते कर दे 35 आ जांदा 7 नूं 4 ते कर दे किन्ना आ जांदा 28 इत्थे किन्ना बच गया अपने कोल 49 आ गया तो यह जांदा 7 ते जांदा तो अपने कोल इन्ना बच गया ना 3 2 7 28 49 ये आंसर आ जूगा अपने कोल 7 ते जाके 247 हुण 247 आपां देख लैने आ 13 दे टेबल ते देख लिए 1 ते जाऊगा किन्ने बाकी बच गए 117 हुण इहनू देख लिए 19 27 17 मतलब ये हुण 13 दे टेबल ते कद 19 दे ते 19 आपां नूं पता आप दे टेबल ते जांदा तां मतलब अपने कोल प्राइम फैक्टर की आ गया 17 13 ते 19 आ गया तुसीं रफ वर्क दे विच करना फिर उन्होंने अगे आपां नूं क्वेश्चन किया सी इन्हां नूं सेंडिंग ऑर्डर दे विच आपां लिख लिया ठीक है इन्हां च रिलेशन भी फाइंड करना सी देखो जे आपां 13 दे विचों 17 माइनस कर दे की आउंदा 6 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 6 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਜੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ 42 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ 2 1 ਆ ਜੂਗਾ ਨਾ 42 बन गया फिर हम सेम 3 ते 7 के फैक्टर 3 बन गया हम प्राइम फैक्टराइजेशन जिदा मैं आह वाले किए से ना इनू प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं 756 ठीक है 2 दे टेबल ते जाऊगा 2 3 इधर किन्ना बच गया 15 बन गया ठीक है 7 8 फिर 2 दे टेबल ते जाऊगा 1 8 8 2 दे टेबल ते फिर 9 ते 4 ठीक है फिर इस तो अगे फिर 2 दे टेबल ते जाऊगा 4 ते 7 ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ 9 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 9 2 18 ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 2 3 7 8 ਫਿਰ 2 1 8 9 ਇੱਥੇ 16 ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ 18 ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ 9 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 3 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 6 3 18 30 9 ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 3 ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 21 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦ 7 ਠੀਕ ਆ
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ 2 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ 2 ਟਾਈਮਸ 3 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ 3 ਟਾਈਮਸ 7 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ 1 ਟਾਈਮਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 3 5 0 0 ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ 12 ਬਣੂਗਾ ਨਾ 6 2 12 7 2 14 5 2 10 ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 3 2 ਅਤੇ ਬਣੂਗਾ 3 ਫਿਰ ਬਣੂ ਇੱਥੇ 3 2 6 7 2 14 5 2 10 ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊ 6 5 30 7 5 35 ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ 2 25 ਫਿਰ ਕੀ ਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸੋਰੀ 1 3 5 ਫਿਰ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 9 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ 2 ਟਾਈਮਸ 3 ਟਾਈਮਸ 5 ਵੀ 3 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ